हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में बातचीत करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे क्वेटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है समझने के लिए। तो उससे पहले मैं बैकग्राउंड दे दूँ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली आजकल बहुत से लोग जो है अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए काफ़ी चिंतित होते हैं या फिकर करते हैं अपने हेल्थ और बॉडी वेट के ताल्लुक से, और बहुत उनको क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा नॉर्म ये मेरा मैं क्या शायद ओवर वेट हूँ या अंडर वेट हूँ, या वजन मैं नॉर्मल हूँ या नहीं। तो मेरे लिए नॉर्मल वेट क्या है, ठीक है, तो मैं कितना वेट अपना मेंटेन करूँ। तो ये एक बहुत कॉन्शियस लोग हो चुके हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो आजकल ज़्यादा वेट होने से यानी ओबेसिटी होने से बहुत से क्रोनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़, कार्डियोवैस्कुलर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, गाल स्टोन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो काफ़ी चीज़ें ओवरवेट की वजह से होती हैं। तो उसके अलावा अंडर वेट की वजह से भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो हमें अपने हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो है नॉर्मल वेट मेंटेन करना पड़ता है। तो कैसे पता चले कि हमारा वेट नॉर्मल है या ओवर है या अंडर है, तो वो मालूम करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट एक रेशियो है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक फार्मूला के तहत इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, बॉडी मास इंडेक्स या BMI को हम का इसका जो फॉर्मूला है या डेफिनेशन है, ये देखिए, वेट इन केजी यानी आपका जो वज़न है केजीस में अगर आप मेजर करें, तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर्स, यानी आपकी जो भी हाइट है उसको, ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि बेसिकली एक रेशियो है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर कहते हैं, वेट बाय हाइट स्क्वायर। सो हाइट को अगर आप जो है मीटर्स में मापें और वेट को केजी में मापें, तो मैं आपको एक एग्जांपल या उदाहरण के तरह समझाऊंगा। अगर मान लीजिए किसी का वजन जो है 70 kg है और उसकी हाइट देखिए 175 cm है, तो 175 cm यानी कि अगर उसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 1.75 meter होगा। क्यों? क्योंकि 100 cm का 1 meter होता है, ठीक है, तो 175 cm यानी 1.75 meter। तो इसको 1.75 meter का स्क्वायर हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.75 यानी 1.75 डिवाइड बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 होगा। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो रफली इसकी वैल्यू होगी 22.9। ओके, तो इसकी यूनिट्स क्या लिखेंगे हम, देखिए केजी पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये बॉडी मास इंडेक्स है। तो इसकी हिस्ट्री, ये फार्मूला कब पहली बार मालूम हुआ, तो ये एडोल्फ क्वेटलेट एक बेल्जियन के एक साइंसदान थे जो कि बेसिकली एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनोमर और स्टैटिस्टिशियन थे। तो अपना वो जो काम करते थे जिसे सोशल फिजिक्स कहते थे, तो 1830 यानी 1830 से लेके 1850 तक उन्होंने ये अपना काम, जो अपना साइंटिफिक काम किया, तो उसमें ये तभी ये क्वेटलेट इंडेक्स यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बता चुके थे। लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में पहली बार 1972 में एक साइंटिस्ट, अमेरिकन जो फिजियोलॉजिस्ट हैं, तो एंसल बेंजामिन कीस, उनका नाम है एंसल बेंजामिन कीस, 1972 में वो एक साइंटिफिक जर्नल यानी साइंटिफिक का जो जर्नल जो होती है उसमें, जर्नल ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, उसमें ये फार्मूला पहली बार पब्लिश किया। और पहली बार ये हमें 1972 में ये इसकी इंपॉर्टेंस पता चली और जब से ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया गया। लेकिन ओरिजिनली 1830 में ही ये क्विटलेट्स, एडोल्फ क्विटलेट जो बेल्जियम के हैं, उन्होंने ये बात बता दी थी, ठीक है। अब उसके तहत बॉडी मास इंडेक्स के तहत हम कैसे कहें कि ओवरवेट है या अंडरवेट है या नॉर्मल वेट है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके तहत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बॉडी मास इंडेक्स के तहत पॉपुलेशन को अंडरवेट, नॉर्मल रेंज और ओवरवेट की करार दिया है। अंडरवेट किसे कहेंगे, अगर अब इसमें देखिए यहाँ पे नॉर्मल आ चुका है 22.9 यानी 23 यानी नॉर्मल है। अगर इसकी वैल्यू जो भी आती है आपकी यानी वेट केजी में डालने के बाद, हाइट स्क्वायर डिनोमिनेटर में मीटर्स में रखने के बाद, आप कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आई, अगर 18.5 से कम है तो उसे अंडरवेट कहते हैं। और नॉर्मल रेंज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 18.5 से 24.99 यानी कि 25 रफली, सो 18.5 से 25 यानी 18.5 से 25 तक अगर है आपका बॉडी मास इंडेक्स, तो आपका वेट नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा ओवरवेट, ओवरवेट कब कहेंगे, अगर 25 के ऊपर है, लेकिन 25 के ऊपर हम मोटापा यानी ओबेसिटी नहीं कहेंगे। अगर 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं लेकिन मोटापा नहीं है, मोटापा यानी ओबेसिटी आप कब कहेंगे,
30 के ऊपर है, अगर आपका बॉडी वेट 30 के ऊपर है तभी बीएमआई 30 के ऊपर है, 30 के ऊपर है तभी हम उसको ओबेसिटी कहेंगे। तो बेसिकली WHO क्लासिफिकेशन जो है अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेसिटी को क्लासिफिकेशन किया है। अंडरवेट लेस देन 18.5, नॉर्मल 18.5 से 25, ओवरवेट अबो 25 और ओबेसिटी अबो 30। ये एक एडिशनल क्लासिफिकेशन है क्योंकि मैनेजमेंट ओबेसिटी का सीवियर इसमें बहुत ये हो रहा है। तो ओवरवेट जैसे आपको बता दिया है 25 से लेके 30 तक ओवरवेट होगा, 30 से मेन ओबेसिटी स्टार्ट होगी। तो उसमें भी क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी कि मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। सो मॉडरेट ओबेसिटी जो है 30 से 35 तक कहेंगे, या ओबेस क्लास 2 35 से 40 तक कहेंगे। अगर 40 या 40 के ऊपर है देन ये बहुत सीवियर फॉर्म की ओबेसिटी है। अगर बॉडी मास इंडेक्स वाकई में 40 के बाद है तो उसको बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड अंडरवेट भी बहुत ये है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है कई देशों में, जैसे कि फ्रांस या स्पेन में जो फैशन शो के जो मॉडल्स होते हैं तो उन्हें वो लोग अपने आप को मेंटेन करने के लिए वेट रिड्यूस करते हैं, लेकिन अगर उनको वहाँ पे रूल रखा जाता है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स 18 के नीचे है तब आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग आजकल इतने कॉन्शियस हो के अपने आप को वेट रिड्यूस करने के चक्कर में एनोरेक्सिया कहते हैं उसे, यानी कि अपने आप को भूख में रख के अपने आप से बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करके अंडरवेट हो जाते हैं। तो अंडरवेट होना भी अच्छी बात नहीं है, ओवरवेट या ओबीज भी होना अच्छी बात नहीं है। तो हम अपना वेट जो है नॉर्मल रखें और बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 तक रखें, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस चैनल में हम तकरीबन MBBS के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन, ENT, ऑफ्थाल्मोलॉजी और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो फाइनल ईयर के मेन होते हैं जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक, वो सभी के बारे में हम ऑर्थोपेडिक्स उसके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे। अभी नया चैनल है, अभी बहुत थोड़े से बेसिक वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा हम फ्रीक्वेंटली हर 7 दिन या 10 दिन में एक नया नया वीडियो डालते हैं। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस एक 2 से 5 मिनट के हम रोज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँचने की। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, डेंटल स्टूडेंट्स, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बहुत उपयोगी है और आम जनता भी इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।